दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक चिड़िया ने समुद्र को ही सुखा दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपनी सवारी गरुड़ पर बैठकर संसार का भ्रमण करने के लिए निकले। जब वो संसार का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक विचित्र घटना को देखा। उन्होंने देखा कि एक चिड़िया समुद्र के पास आती है, वहाँ से अपनी चोंच में जल भरती है और वैसे ही उड़ जाती है। और उड़कर वो क्या करती है कि उस पानी को एक जगह पर एकत्रित कर रही है। फिर से वो उड़ती है और उड़ करके फिर समुद्र के किनारे जा बैठती है। फिर से अपनी चोंच में जल भरती है और फिर से उसको लेकर के उड़ जाती है और फिर वहीं पर वो पानी को गिरा देती है। यही प्रक्रिया अन्य पक्षी भी देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक अन्य चिड़िया उड़कर आती है। छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया से कहती है कि बहन, तुम ये क्या कर रही हो? तब बड़ी चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं समुद्र का पानी सुखा रही हूँ। उसने कहा, ये क्या, तुम समुद्र का पानी नहीं सुखा सकती, और बहन तुम ये क्यों कर रही हो? उसने कहा, भला कोई चिड़िया भी समुद्र के पानी को सुखा सकती है? तब चिड़िया ने कहा कि हाँ, मैं ऐसा करके रहूँगी, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं साथ चाहिए, समुद्र ने मेरे बच्चों को मुझसे छीना है। छोटी चिड़िया भी बड़ी का साथ देने के लिए तैयार हो गई। उसने भी चिड़िया का साथ दिया। उसने भी समुद्र से पानी भरा और चोंच में भरकर उसी जगह पर डालना शुरू कर दिया। इसको देखकर वहां पर एक कौवा भी आया। उसने भी पूछा कि तुम सब क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि तुम लोग मिलकर समुद्र का पानी नहीं सुखा सकते। चिड़िया ने बताया, मैं ऐसा करके रहूंगी। तभी वहां पर एक बगुला भी आया। उसने भी देखा कि ये सब क्या कर रहे हैं। उसने सबसे यही कहा, मुझे तुम लोगों की सलाह नहीं साथ चाहिए। यह प्रक्रिया गरुड़ भी देख रहा था। उसने भगवान विष्णु से कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी जाकर उस चिड़िया की मदद करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम चाह कर भी समुद्र का पानी नहीं सुखा सकते। भगवान ने गरुड़ को समझाया कि ऐसा करना असंभव है, लेकिन गरुड़ ने कहा, भगवान मुझे आपकी सलाह नहीं आपका साथ चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए और वो गरुड़ पर बैठकर समुद्र के किनारे जा पहुँचे। भगवान विष्णु को वहाँ देखते ही समुद्र देवता डर गए। वो भगवान के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं चिड़िया के बच्चों को लौटा देता हूँ। उसने तुरंत ही चिड़िया के बच्चों को लौटा दिया। चिड़िया अपने बच्चों को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, अगर वो कार्य मानव समाज की भलाई के लिए किया जा रहा हो तो पूरी कायनात मिलकर उस मनुष्य का साथ देती है।